हमें सम्मानित कर रहे हैं अनिल कुमार जो बसी खेड़ा जो ड्राइवर है, 101 नोटों से मुझे ब्याज की पर सम्मान किया है। उसी समय विमान आया और देवराज इंद्र कहने लगे धर्मराज दुष्ट स्वर की अप्सराएं तुम्हारा इंतजार कर रही है, विमान में बैठिए और स्वर के लिए प्रयाण करिए। लेकिन धर्मराज के साथ में एक स्वान भी था, कुत्ता, जो धर्म का प्रतीक था। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे सबसे पहले विमान में हमारा स्वान बैठेगा, स्वान बैठेगा। एक लोगों के यहां पैसा बैठा दो जो प्रसाद दे दिया करे के फिरता था सानंद पो अरबन में दिल्ली गाय, जो गाय रोती है, रमा रही है, अटक रही है और उसके पीछे तीन पैरों से एक बैल लड़खड़ाता हुआ आ रहा है और उसके पीछे एक चांदार जिसके हाथ में मूसल। जब ये मूसल उस गाय और बैल पर पड़ता है तो ये मालूम पड़ता है मानो सारा भूमंडल हिल जाता है। दिल्ली की राजा परीक्षक बगूर रहस्य को ना समझ सके। और सेवा सेवक सदस्य बन बैठे।
मियां से दरबार खींच ली और कहने लगे क्या तूने ये जान लिया कि अर्जुन का जमाना बीत गया है? अगर अर्जुन का जमाना बीत गया है तो अर्जुन के वंश का पौधा सामने मौजूद खड़ा है। सच्चा हिंदू अपनी आंखों के सामने गाय की हत्या नहीं देख सकता है। या तो बद को मार देगा या स्वयं बद के हाथों से मर जाएगा। समझो हिंदुओं, तुम्हारे पूर्वज क्या कह रहे हैं? कि गाय की हत्या नहीं दे सकता। और लोगों, सबसे ज्यादा अगर आज दुखी है हमारे देश में तो गैया मैया दुखी है। दुखी है गैया। ओ हिंदुओं, अपने महान पूर्वजों को याद करिए। भगवान कृष्ण जिन्होंने अकेली दम पर 1,00,000 गैया पाली थी, और आज किसी के दरवाजे पे गैया दिखाई दे रही है ही नहीं। और जितनी आज गैया दुखी उतना ही तुम्हें आज इंसान दुखी दिखाई दे रहा है। इंसान मुंह से तो हंस रहा है लेकिन आत्मा से रो रहा है, आत्मा से रो रहा है। और लोगों, हम तो एक ही बात कहेंगे, दूध सिर्फ दुइये हैं कै दूध वह गैया को और कै दूध वह मैया, तीसरो दूध कोई हो तो हमें बता। गैया को दूध, गैया को दूध, बिना गुड़ के तुम पी जा, बाहरे दीनानाथ मैया के दूध में परीक्षा जी चीनी ऊपरी तो उपरे भेजी भगवान ने। मैया को दूध इतना मीठो दूध, और आज के समय से चार चीजें बहुत दुखी है मालूम। एक तो गैया और एक जब बूढ़ी मैया। एक मैया चार बेटों को पाला और चार बेटा मिलकर के एक मैया को पाल नहीं पा रही। एक तो गैया और एक मैया,